तो देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। देहरादून से ये जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। पटवारी भर्ती मामले के बाद एक्शन में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। एई और जेई की परीक्षा की भी जांच होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में मेरे पास शिकायत आई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है। सख्त नकल विरोधी कानून लाएगी सरकार, सीएम धामी ने ये कहा है। आगामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। पटवारी भर्ती मामले के बाद एक्शन में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी। एई और जेई की परीक्षा की भी अब जांच की जाएगी। मामले में मेरे पास शिकायत आई है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। सख्त नकल विरोधी कानून सरकार लाएगी और आगामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक फैसला, पटवारी भर्ती मामले के बद अब सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। एई और जेई की परीक्षा की जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे पास शिकायत आई है और सख्त नकल विरोधी कानून अब सरकार लेकर आएगी, आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो पटवारी भर्ती मामले के बाद अब एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एई और जेई की परीक्षा की अब जांच होगी। मामले में मेरे पास शिकायत आई है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। सख्त नकल विरोधी कानून अब सरकार लेकर आएगी, आगामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा फैसला। पटवारी भर्ती मामले के बाद अब एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। एई और जेई की परीक्षा की अब जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले में मेरे पास शिकायत आई है और सख्त नकल विरोधी कानून अब सरकार लाएगी। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं, और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं, और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला, अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा, और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे उनकी सारी संपत्ति। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए, एई और जेई की परीक्षा की भी अब जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे पास शिकायत आई है। बिल्कुल, देखा जाए तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मौजूदा समय में एई और जेई में भर्तियों की कहीं ना कहीं अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास ही ये शिकायत आई है, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने तुरंत इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। और देखा जाए तो इसके पहले कई तरह की परीक्षाओं में जो आरोप हैं और कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ियां पाई गई और गिरफ्तारियां जो हैं पिछले दिनों हमने देखा है, चाहे वो UK SSC का मामला हो या फिर उसके बाद पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला हो, कई ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश सरकार इसमें लगातार कार्रवाई करने की काम कर रही है, सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमने मुख्यमंत्री को ही सुनते हुए देखा कि एक बार पूरी सफाई की जा रही है उसके बाद भर्तियां की जाएंगी। मौजूदा समय में देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है, और ऐसे में कई परीक्षाओं को आगामी उनकी तारीखों का ऐलान भी किया गया है कि किस तारीख में कौन सी परीक्षाएं होंगी, और जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनको लेके विशेष स्तर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको सुविधा अनुसार जो सरकारी बसें हैं उनमें फ्री जो है यातायात की जो सुविधा उनकी उनको दी जाएगी, इस तरह की सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जा रही है ताकि वो परीक्षा केंद्र पहुंच सकें और एग्जाम दे सकें। लेकिन वर्तमान में देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो है परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले आ रहे हैं, क्योंकि UKSSC का मामला इतना बड़ा मामला उत्तराखंड के अंदर हो गया था, लगातार जो गिरफ्तारियां हैं तकरीबन 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और ऐसे में हमने देखा किस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पटवारी
भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद जिस तरीके से एई और जेई में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तंत्र हैं उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए परीक्षा कराने को लेके जो लोग जिस तरीके से अगर हमने देखें UKSSC हो या फिर अन्य जो विभाग हैं उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा समय में सरकार उन पे भले ही कार्रवाई कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उन वो परीक्षाएं दे रहे हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं नकल के वजह से उन्हें निरस्त करना पड़ रहा है और उनके उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, उनके साल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक समय सीमा होती है किसी भी परीक्षा की, एक आयु होती है, तय होती है, और ऐसे में अभ्यर्थियों का एक बड़ा नुकसान यहाँ पे देखा जा सकता है। हालांकि अभी जिस तरीके से AE और JEE की भर्तियों की जाँच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और कहा जा रहा है, पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि नकल विरोधी जो अध्यादेश है वो इस बार लाया जाएगा, यानी कि माना जाए तो मार्च में जो बजट सत्र होने वाला है विधानसभा का, उस विधानसभा में इस अध्यादेश को सरकार लाएगी और पास कराएगी। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कर कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई है, तो अब सरकार इस ओर सख्त कानून की कहीं ना कहीं मंशा कर रही है। और यही वजह है कि इस अध्यादेश को लाने की जो तैयारी की जा रही है, आगामी जो कैबिनेट की बैठक होगी इसमें इसे प्रस्ताव को लाया जाएगा और पास कराने के बाद सीधे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, यानी कि मार्च में जो बजट का सत्र होगा उसमें इस अध्यादेश को सरकार लाएगी और इसे पास कराएगी। मौजूदा समय में देखें अगर ये अध्यादेश आ जाता है तो जो नकल करने में जिन लोगों लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो सकती है, यानी कि कुर्की समेत कई तरह के जो प्रावधान हैं गुंडा एक्ट में वो उन पे लागू होगा। और वर्तमान में अगर हम देखें UKSSC के अब जो मामला था, हाकम सिंह समेत तमाम जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, हालांकि कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन देखा जाए तो जो लचीलापन होता है कानून में कई चीज़ों में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके जो मनोबल है वो बड़े होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें UKSSC का मामला, उसके बाद पटवारी वाला मामला हो या फिर अब AE और JEE का मामला हो, जिस तरीके से अपराधियों जो इससे जुड़े हुए अपराधी हैं उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है कि इतना बड़ा प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई होने के बावजूद वो लगातार धड़ल्ले से जो नकल है वो करा रहे हैं, और ऐसे में एक एक कर अब सामने ये मामला आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले की सरकारों में इसमें ढिलाई दी गई थी और अब इस तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी, बैक टू बैक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं में देखा गया कि परीक्षा रद्द भी की गई और लगातार अब CM पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ।